एक दिन वही सम्मान हर तिपरासा, हर बुमा, हर तिपराजक को देगा। आपने हमको प्यार दिया है, मैं आपको एक दिन आपका अधिकार देके ही रखूंगा। आज स्प्रिंग है, आज सब तिपरासा एक होकर एक आवाज में प्रार्थना करो कि आने वाले दिन में हमारा नेक्स्ट जनरेशन बच के रहे। महाराजा वीर विक्रम ने तिपरासा के लिए बहुत किया, लेकिन आज भी तिपरासा के पास जमीन नहीं है, आज भी तिपरासा के पास अधिकार कम है, आज भी तिपरासा गरीब है। अगर तिपरासा को आगे बढ़ना है तो बहुत लोग तिपरासा को डिवाइड करने का कोशिश करेगा, क्योंकि हम लोग गरीब है, हम लोग भूखा है, हम लोग के पास आज नौकरी नहीं है। लेकिन यहाँ में बहुत बच्चा लोग भी है, सिखला है, सिखली है, चला है। हम अपने तिपरासा को बोलना चाहता कि कभी अपना बच्चा को देखो, उसका भविष्य के बारे सोचो, और अगर अपना बच्चा का भविष्य को आपको ठीक करना है तो कमजोरी मत दिखाओ। जब जब तिपरासा कमजोर हुआ है, हमारा अधिकार, हमारा हा हमसे छीना गया है। मैं यहां में आपको कोई भाषण देने नहीं आया हूं, आप लोग जानते हैं नुंगसाई मानो सबो का हम सबो हम या बुबागरा को कुछ बोलने का दरकार नहीं है, लेकिन हम लोग कमजोर है कभी कभी, कभी कभी हम लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है। लेकिन मैं जानता हूं कि अंदर तिपरासा के दिल के अंदर एक आशा है कि आने वाले दिन में एटलीस्ट जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, आपके अंदर एक आशा है कि आने वाले दिन में हम सबको एक अच्छा कल मिले, भविष्य मिले। और अगर आपको अच्छा भविष्य चाहिए तो आज आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि बुबागरा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, क्योंकि हमारे संग भगवान है, हमारे संग गॉड है, हमारे संग ऊपर वाला है। और हमको कमजोर कौन कर सकता है? हमारा लालच, हमारा अहंकार और हमारा ईगो। अगर तिपरासा को आगे बढ़ना है तो पहले एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को समझाओ। अगर कोई कमजोर है तो उसको सहायता करो, अगर कोई अकेला है तो उसके साथ बात करो। लेकिन अगर तिपरासा तिपरासा के संग लड़ेगा तो तिपरासा दोफा को कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। मैं ये वोट के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपका बच्चा के लिए बोल रहा हूं। आपका बच्चा, आपको शिक्षा नहीं मिला, आपको नौकरी नहीं मिला, आपके पास जब बारिश होता तो छत से पानी गिरता है, आप चाहता है कि आपका बच्चा भी वही हो, वही जिंदगी बिताए, आप चाहता है? नहीं। अगर आप नहीं चाहता है तो अपने बारे कम सोचो, बच्चे के बारे ज्यादा सोचो। हमने सिर्फ अपने बारे सोचा, इसके लिए आज हम लोग यहां में माइनॉरिटी बन गए हैं। हमने अपने बारे सोचा, इसके लिए आज हानि भुसा होके भी हम लोग त्रिपुरा में गरीब हैं। और अगर हमको आगे बढ़ना है, एंड आई नो, मैं जानता हूं कि हमारा टाइम आएगा, पार्टी का टाइम नहीं, जाति का टाइम आएगा। लेकिन जब टाइम आएगा
तो हमको एक रहना पड़ेगा, कम्युनिटी को आगे रखना पड़ेगा। कम्युनिटी को आगे रखो। आज त्रिंग है अगरतला में, बहुत लोग हम लोग को डिवाइड करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप प्यार बांटोगे, अगर आप नफरत को छोड़ोगे और प्यार बांटोगे, दुनिया में कोई पावर नहीं है जो तिपरासा को डिवाइड कर सकता है, अगर तिपरासा का दिल बड़ा है। हमारा फाइट अधिकार का है, हमारा फाइट जमीन का है। महाराजा वीर विक्रम ने हमको 1938-40 में जमीन दिया। जब 1974 में TLR एक्ट हुआ, तिपरासा का जमीन को खास लैंड बनाया गया, तिपरासा का जमीन को फॉरेस्ट लैंड बनाया गया, तिपरासा को अपना ही राज्य से भूमिहीन कराया गया। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो खास लैंड जो हम लोग का है, फॉरेस्ट लैंड जो हम लोग का है, वापस हमको दे और हम लोग आपको पट्टा देकर आपका भविष्य, आपका घर आपके नाम में होना चाहिए, पर्चा आपके नाम में होना चाहिए। मैंने ये बात बोला तो अगरतला का न्यूज़पेपर बोलता है बुबागरा कॉम्युनल है, जातिवाद करता है बुबागरा। अगर अपना जाति को जमीन देना है और वो कॉम्युनल है तो मैं कॉम्युनल हूं, अपना जाति को पहले रखा हूं, गलती नहीं किया, पाप नहीं किया। और आज भी मैं आपको बोल रहा हूं, थोड़ा सा कोई 500 रुपए देता है आपको, आप पार्टी बदल लेता है, कोई थोड़ा सा चुवाक देता है, आप इधर से उधर चला जाता है, कोई गवर्नमेंट का नौकरी के बारे में बात करता है, आप भूल जाता है। यही गलती हम लोग का माँ बाप ने किया, यही गलती हम लोग कर रहा है, और इसका पछतावा किसको होगा? हमारा बच्चा, हमारा नेक्स्ट जेनरेशन को होगा। यहां में कितना लोग नशा कर रहा है, क्यों? अगर नौकरी होता, अगर बिजनेस होता तो नशा करने का टाइम नहीं मिलता, काम करता आदमी लोग। कौन ड्रग्स को त्रिपुरा में ला रहा है? वही नेता लोग। लेकिन आज तक कोई नेता अरेस्ट नहीं हुआ, पॉलिटिशियन। कौन अरेस्ट होता है? हम लोगों का यूथ लोग। ये नशा पहले बंदूक से मारा, पहले दाव से काटा, अब ये लोग नशा हम लोगों का टैबलेट ड्रग्स हम लोगों को गांव में भेज रहा है, हम लोगों का नेक्स्ट जेनरेशन को खत्म करने के लिए। यहां में बुरुई है, भूमा है, आप जानता है कि ये ड्रग्स से HIV एड्स भी फैल रहा है। अगर हम लोगों का बच्चा लोगों को एड्स, HIV ड्रग्स आ गया तो हम लोगों को खत्म करने का एक गोली भी नहीं चाहिए, हम लोग खुद ही अपने आप को खत्म कर रहे हैं। मैं आप सबको स्पेशली भूमा, आप लोग माँ है, आप नहीं चाहता है कि हम लोगों का दफा खत्म हो, आप लोग प्लीज अपना परिवार में, अपना सोसाइटी में, अपना कामी में सबको समझाइए, ये नशा से कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो नशा बांग्लादेश से त्रिपुरा में भेज रहा है, उनका भी एक प्लानिंग है कि हम लोगों का यूथ को कमजोर करने के लिए। ड्रग्स को आप लोग रिजेक्ट करो, ये ड्रग्स से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बीमारी है। और जो नशा करता है सिर्फ वो पछताता नहीं है, पूरा परिवार पछताता है। महाराजा वीर विक्रम का आज यहां में हमने स्टैचू उद्घाटन किया। स्टैचू उद्घाटन करने से कुछ नहीं होगा, जो इंसान था उसने अपने देश के लिए, अपने जाति के लिए बहुत किया। कम उम्र में उनका देहांत हुआ, वरना त्रिपुरा का भविष्य भी अलग होता। यहां में बरकथाल से महाराजा वीर विक्रम का नाती आपको बोल रहा है,
मैं आपको प्यार करता हूं, आपके लिए फाइट कर रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संग मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि जब जब मैंने होम मिनिस्टर से मुलाकात किया है, मैंने हमेशा बोला पहले आप मेरे जाति को कुछ दो, उसके बाद मैं अपने बारे बात करूंगा। मैंने हमेशा आपको सामने रखा है। अगर अपना आपको सामने रखता तो कब से मैं मंत्री एमपी सीएम बनके आराम से बैठ के रहता, लेकिन आज तक नहीं भूला हूं कि मेरा कर्तव्य है अपना तिपरासा बुकुंग बारा को कुछ अधिकार देने के लिए। ये नया साल आने वाला है 2024। मैं जानता नहीं हूं कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं है, लेकिन बुबागरा हमेशा तिपरासा के साथ खड़ा रहेगा। आई लव यू। आज त्रिंग है, थोड़ी देर के बाद त्रिंग है, शांति से आप लोग त्रिंग मनाइए। थोड़े दिन बाद क्रिसमस है, अच्छे से बनाइए, न्यू ईयर अच्छे से बनाइए, बुईसु आएगा अच्छे से बनाइए। जो भी हो आपका धर्म, पहला हमारा आइडेंटिटी है तिपरासा। बेलाई बेलाई नो हम बाय थैंक यू।